तो दोस्तों अभी सुबह के जो है 10 बजने वाले हैं और अभी मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ चावल बनाया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी और उसे आपको बनाकर दिखाऊंगी किस तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ और उसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे तो चूल्हे में अंधेरा है, लाइट नहीं है, फिर भी मैं कैमरे की जो है टार्च, ये फ़ोन का जो टार्च होता है उसको ऑन करके दिखाऊंगी आप सभी को। चलते हैं किचन में। इसको बनाने के लिए मैंने इधर लहसुन छील लिया है और ये लिया है मैंने हल्दी और ये लिया है मिर्चा। इसको मैं सिल पे पीसने वाली हूँ यहाँ पे। मम्मी भी दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो आते हैं। किचन भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। सिमटता दिख रहा है। मैंने चावल को ये बना लिया है। अब हम यहाँ पे कढ़ाई रखेंगे गैस पे और बनाऊंगी कढ़ी। तो कढ़ाई हमने गैस पे रख दिया है, इधर हमने ये मसाला पीस के रखा है और ये मेथी और ये एक प्याज जिससे हम इस कढ़ी को तड़का लगाएंगे, इन दोनों से। मिर्चा पहले ही मैंने पीस लिया है और ये बेसन मैंने लिया हुआ है, इसे चाल लेती हूँ और फिर कढ़ी को बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसे छानना भी ज़रूरी होता है कि कोई चीज़ हो ना इसके अंदर, इसलिए छान के पहले से इसको रख लेती हूँ मैं और इसको हटा देती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में तेल। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसको बंद करके रख देते हैं वरना बच्चे गिरा भी सकते हैं इसको। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें मैं प्याज को काट ले रही हूँ, जो प्याज मैंने लेके रखा है इसको काट ले रही हूँ। फिर ये प्याज डाल दूँगी, जैसे ही प्याज होगा मैं मेथी डाल दूँगी इसमें। तो प्याज को मैंने इधर कट करके रख लिया है, बस अब तेल गर्म हो जाए और फिर मैं इसमें इसको डाल दूंगी। तो हमारा तेल यहाँ पे अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों प्याज यहाँ पे मेरा लाल हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी को। इसको चला देंगे। और अब मैं इस मसाले को डाल दूंगी इसमें। जैसे ही मेरा मसाला पक जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड डाल दूंगी। तो मसाला मेरा यहाँ पे पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। ताकि ये और अच्छे से पक जाए और मैंने इसमें डाल दिया है आधा लोटा पानी और इसको अब मैं ढक दूंगी। जब ये उबलने लगेगा तब मैं चावल आज तो कढ़ी बन गई बेटा। अब इसको मैं घोलूंगी अपने हाथों से, जब ये उबलने लगेगा तब इसमें हम इसको डालेंगे। अब
बहुत इसको चिकना बनाना है। जो गुलठियाँ हैं इसमें इन सबको फोड़ देना है, नहीं तो कढ़ी पूरी ख़राब हो जाएगी, गुलठी गुलठी सी हो जाएगी पूरी कढ़ी में। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से घोल लिया है, इसका घोल बना लिया है। और जो कढ़ाई में पानी रखे हैं मैंने, डाले हैं जो मसाला, वो बस उबलने ही वाला है। ये देखिए, दो तीन बार ये उबल जाएगा तब मैं इस घोल को डालूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए मसाला जो है उबलने लगा है, और थोड़ा सा मैं इसे और उबलने दूंगी तब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन को जो मैंने घोल के रखा है। वैसे तो ऐसे मैं कढ़ी नहीं बनाती हूँ और बनाना भी नहीं चाहिए, पहले पकौड़ी बना के डालना चाहिए फिर जो है कढ़ी बनाना चाहिए। लेकिन बेसन कम होने की वजह से मैंने सिर्फ कढ़ी बना ली है, फिर कभी बनाऊंगी तो आप सभी को दिखाऊंगी ज़रूर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ घोल जो मैंने बना के रखा है। और मैंने एक हाथ में कैमरे को पकड़ के रखा है, यानी कि मेरे फ़ोन को, तो मैं इसको डालते टाइम चला भी नहीं पाई। अब इसे अच्छे से चला देती हूँ नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है ना, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी। और इसको अच्छे से चला के इसमें अभी मुझे डालना है नमक, नमक डाल के सीधा मैं इसे ढक दूँगी। तो पहले नमक डाल देती हूँ, तो मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और बस इसे अच्छे से मिलाएंगे और ढक देंगे। गैस को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है क्योंकि कढ़ी है ना, इसे बिल्कुल सीम आंच में पकाना होता है, वरना ये बाहर आ जाएगी कढ़ाई से और अच्छी तरीके से पक भी नहीं पाएगी। तो बस अब इसको मैं ढक देती हूँ। तहरी एक कढ़ी है, इसको मैं इन सब की जगह पे पहुँचा दूँ। तो वो कढ़ी हमारी बन चुकी है, अब हम बनाने वाले हैं रोटी। बस मेरा खाना बन के हो जाएगा कंप्लीट, कढ़ी चावल और रोटी, और इसके साथ हम बना लेंगे सलाद। बस हो गया, मेरा खाना बन गया। अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ।